के लिए। और इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए काफी संख्या में जो वोटर्स हैं अपने नेता से प्रभावित होते हैं, इसलिए उन नेताओं की तस्वीर दिखाना भी जरूरी है। राजनांदगांव से उनकी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, राजनांदगांव में उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी वोट डालने के लिए बतौर एक मतदाता वो यहां से रजिस्टर्ड है और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। रमन सिंह पहुंचे वोट डालने के लिए काफी संख्या में वहां पर, उनके साथ मीडिया का भी जमावड़ा है चूंकि प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा का भी उनका घेरा काफी बड़ा है। और ऐसे में इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, काफी भीड़भाड़ इस मतदान बूथ पर, इस मतदान केंद्र पर नजर आ रही है, जहां लोग तो वोट डालने के लिए जा ही रहे हैं। और चूंकि वीवीआईपी मूवमेंट जब होता है तो उस वक्त यूं भी काफी संख्या लोगों की हो जाया करती है। और ऐसे में राजनांदगांव से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रमन सिंह वोट करने के लिए पहुंचे हैं। और ये कुछ देर पहले की तस्वीर अभी जो आप देख रहे हैं, जिसमें कि पूर्व सांसद ने वोट किया और इसके बाद आगे की जो स्थिति रहेगी उस पर भी वोटिंग परसेंटेज के साथ सटीक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से। और चूंकि ये मध्य प्रदेश की साथ साथ तीन छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव तीन महत्वपूर्ण सीटें छत्तीसगढ़ की, जिसमें कि कुछ इलाका राजनांदगांव का तो कुछ कांकेर का, एक बड़ा क्षेत्र जो नक्सल प्रभावित है और इस प्रभाव से मुक्त कराने का वादा करने वाले उन दलों का इस बार जनता जनार्दन क्या हिसाब करेगी और किसे चुनेगी, किसे नकारेगी जनता, ये देखना होगा, जिस पर लगातार रहेगी हमारी भी नजर। और 4 जून को आने वाले नतीजों से पहले रुझान और सटीक नतीजे आप तक पहुंचाएंगे। इससे पहले अभी देश भर के 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर होने वाले मतदान को लगातार उससे जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और आकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, राजनांदगांव के जिस बूथ पर आप इस वक्त मौजूद हैं, काफी भीड़भाड़ नजर आ रही है यहां पर। जी बिल्कुल, कवर्धा के बूथ में काफी भीड़ है और लोग उत्साह के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी पहुंचे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने मतदान किया, लोगों से अपील की कि अधिक से अधिक मतदान करें और वो निकल रहे हैं। भारी सिक्योरिटी के बीच यहाँ पर मतदान हुआ है, लोग भी काफ़ी उत्साह से पहुँच रहे हैं। कवर्धा का यह आदर्श मतदान केंद्र है, यहाँ पर सुबह ही डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी जो है वो मतदान किया है। इसके साथ ही जो पूर्व सांसद हैं अभिषेक सिंह, वो भी मतदान के लिए पहुँचे थे। सुबह 7 बजे से यहाँ पर मतदान जो है वो शुरू हो गया था और लगातार लोगों के पहुँचने का सिलसिला शुरू था। आदर्श मतदान केंद्र है, इस वजह से काफ़ी बेहतर यहाँ पर व्यवस्थाएँ दिखी। सेल्फी जोन बनाए गए थे, इसके अलावा चिकित्सा के लिए अलग व्यवस्था। और ये अभी जिस प्रकार पूरे छत्तीसगढ़ में, राजनांदगांव में उत्साह है, उमंग है, लोग मतदान के लिए निकल आ रहे हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संतोष पांडे जी पिछली बार से ज्यादा वोटों से लोकसभा सीट जीत रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे विधानसभा अध्यक्ष जो अभी बोल रहे थे। उन्होंने वोट करने के बाद उन्होंने लोगों से भी अपील की कि अधिक से अधिक वोट करें और ये वोटिंग करके निकल रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह। तो लंबे अरसे बाद ये भी हुआ आज कि डॉक्टर साहब तो नजर आए हैं। डॉक्टर साहब तो खैर फिर भी नजर आते हैं, चूंकि विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी उन पर है। चाउर वाले बाबा प्रभाव क्षेत्र है ये उनका, कवर्धा, राजनांदगांव। लंबे अरसे तक बतौर मुख्यमंत्री वो एक्टिव रहे, पर आज जो एक तस्वीर आपको नजर आई होगी, कुछ देर हमने वो तस्वीर दिखाई भी है, राजनांदगांव से पूर्व सांसद अभिषेक सिंह भी नजर आ रहे थे, डॉक्टर रमन सिंह के बेटे। हालांकि लंबे अरसे से वो आपको सक्रिय राजनीति में या टीवी पर नजर नहीं आए हैं, लेकिन आज वो भी अपना वोट कास्ट करने पहुंचे हुए थे और डॉक्टर रमन सिंह भी पहुंचे हुए हैं। आकाश लगातार बने हुए हैं, कोशिश की जा रही है कि उनसे बात की जा सके, लेकिन वो अपने इलाके के लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। कुछ बच्चे भी पहुंचे, उन्होंने कहा सेल्फी खिंचवानी है और डॉक्टर रमन सिंह ने उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाई, फोटो भी खिंचवाई।
और इसी तरह से हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो मतदान का सिलसिला है वो भी लगातार चल रहा है, वोटिंग ट्रेंड सब आने लगे हैं मुद्दों को लेकर, और वाणी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके पास भी हम आपको लिए चलेंगे, उनसे भी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वाणी जी, सबसे पहले मैं ललित आपका स्वागत करता हूँ। वोटिंग ट्रेंड सब आने लगे हैं,